होशंगाबाद में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के 35 यात्रियों का होशंगाबाद नगर पालिका में सम्मान किया गया। साथ ही सभी को खाना खिलवाया गया और चाय नाश्ता भी कराकर आनंदपुर साहिब के लिए रवाना किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव फैजान उल हक ने सभी का अभिनंदन कर सारे लोगों को रेलवे टूरिज्म द्वारा बनाया गया कार्ड भी दिया, जिसे सफर के दौरान साथ रखना है। ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत ये आयोजन है। इसमें जिले के वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा जो भी समय समय पे जगह जगह के लिए यात्राएं निकाली जाती हैं और इसमें निशुल्क ये यात्रा रहती है और जो वृद्धजन जाता है उनके साथ एक अटेंडर साथ में रहता है और इस यात्रा में सभी प्रकार की जो सुविधाएं रहती हैं वो सरकार की तरफ से सभी यात्रियों के लिए मुफ्त रहती है। इस बार कितने वृद्धजन जा रहे हैं और किस तीर्थ पे जा रहे हैं? ये आनंदपुर साहिब ये यात्रा जा रही है और इसमें 35 लोग यहाँ से रवाना होंगे। ऐसा है, हम लोग धार्मिक यात्रा में जा रहे हैं और आनंदपुर साहिब जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर मैंने जो चीज़ देखी है वो ये है, इसमें यह नहीं कि पर्टिकुलर इस धर्म का आदमी जाएगा या इस धर्म का आदमी जा रहा है, यानी सामूहिक तौर पर ये जो सर्व धर्म यात्रा होती है उस तरीके से ये यात्रा न्यूज़पेपर में पढ़ा था। हम लोग की आस्था है पंजाब साहब गुरुद्वारे में, वहाँ जा रहे हैं। यात्रा हमारे को आनंदपुर साहब की है यात्रा और इसमें हमको उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी हमको आपका कोई पैसा वगैरह लग रहा है? नहीं, कोई पैसा नहीं लग रहा है। निःशुल्क जा रहे हैं? निःशुल्क जा रहे हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है। मौका मिला जाने का इसलिए हम उसका फायदा उठा रहे हैं और ये सब सरकार की तरफ से हो।